नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सीहोर जिले की जावर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कजलास से है, जहां पत्रकार कुमार सिंह आवले ने ग्राम पंचायत कजलास के सरपंच बाबूलाल जाटव के खिलाफ जावर थाना में मुकदमा दर्ज कराया कि पत्रकार कुमार सिंह आवले ग्राम कजलास में कवरेज करने के लिए पहुंचे तो इस दौरान सरपंच बाबूलाल जाटव द्वारा मेरे साथ झूमाझटकी की और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तू रुक, अभी मैं लड़के बुलाता हूं। सरपंच बाबूलाल जाटव ने 10 से 15 लड़के भी पत्रकार कुमार आवले को जान से मारने के लिए बुला भी लिया, लेकिन गुंडे आने से पहले ही पत्रकार ने नजदीकी जावर थाना प्रभारी राम नारायण मालदीवे को सूचना दे दी थी। थाना प्रभारी ने तुरंत 5 मिनट में ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा दी और थाना प्रभारी और मीडिया कर्मी को आप बीती बताई, जिससे सरपंच बाबूलाल जाटव पर 296, 115, 2, 351, 3 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। गुरुवार को पब्लिक प्रेस क्लब पत्रकार संघ ने आष्टा अनुविभागीय अधिकारी SDOP और SDM को ज्ञापन सौंप कर मांग की कि सरपंच बाबूलाल जाटव को गिरफ्तार किया जाए और सरपंच पद से निलंबित किया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री को भी आवेदन सौंपेंगे। अब देखना यह है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम पत्रकार के हित चाहिए, राजनेता कहते हैं कि हम पत्रकारों के साथ खड़े हुए हैं, जहां प्रशासन बड़े बड़े वादे करती है कि हम पत्रकार के साथ अगर कोई भी अभद्र व्यवहार करेगा तो हम पत्रकार के साथ खड़े हैं, जहां एक तरफ पत्रकार भारत का चौथा स्तंभ है और सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। अब सरपंच बाबूलाल जाटव को बचाने के लिए झूठे आरोप लगाते हुए कहा कि पत्रकार ने पैसे मांगे थे, ऐसे तो हर कोई पत्रकारों पर लाखों रुपए का भी इल्जाम लगा देगा, तो क्या यही देश का चौथा स्तंभ है? अब शासन प्रशासन कार्रवाई करता है या नहीं, यह तो आगे ही पता चलेगा। और सरकार द्वारा जो पत्रकार के हित में नियम लागू किए गए हैं। आष्टा से न्यूज 69 के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। हम ग्राम पंचायत कजलास तहसील जावर। क्या मामला है आपका, जो आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था? सोशल मीडिया पर हमने एक वीडियो वायरल किया था माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवेदन के रूप में कि हम अपने यहाँ अपना घर बनाना चाह रहे हैं, मकान बनाना चाह रहे हैं। शासन ने हमको 2 आवासीय पट्टे दिए और उस पट्टे की जमीन पर हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, टोटल भूमि कितनी है आपके पास? टोटल भूमि हमारे पास जो है लगभग 3 से 4 एकड़ है, जिस पर हम तकरीबन 25 सालों से रह रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंडर में जो है वो 35 सालों से लगभग हमारे अंडर में। अच्छा, आपने वीडियो में साफ साफ कहा है कि सरपंच अपनी दबंगई दिखा रहा है और हमें मकान नहीं बनाने दे रहा है। सरपंच बिल्कुल दबंगई दिखा रहा है, सरपंच का तरीका है ना, डायरेक्ट तो दबंगई नहीं दिखाया ना। सरपंच जो है, सरपंच महोदय जो है, वो काम ये कर रहे हैं कि उन्होंने हमको पहला नोटिस जारी किया और पहले नोटिस के जवाब में हमने उन्हें पूरे एक पेज का जवाब पेश किया। उस जवाब में सारे कानून, सारे कारण उनको एक एक करके गिनाए और ये भी कहा कि जो आपके प्रश्न है वो है प्रत्युत्तर में। जवाब में सरपंच साहब ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और दूसरा नोटिस जारी कर दिया। दूसरे नोटिस के बाद तीसरा नोटिस जारी कर दिया। तीसरे नोटिस जारी होने के बाद मजबूरन मुझे दूसरी वीडियो फिर से बनानी पड़ी मुख्यमंत्री से निवेदन के नाम। नोटिस में क्या बोल रहे हैं? नोटिस में ये बोल रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य पूर्णतः बंद किया जाए। अभी कहाँ का आवेदन दिया आपने? अभी हमने जो आवेदन दिया है तो ग्राम पंचायत में दिया, उनका जवाब दिया। दूसरा हम तहसील में मैडम से मिले और उनको हमने अपना आवेदन दिखाया। कल मेरे पिताजी मिलने गए मैडम से, तो उन्होंने कहा कि हमने तहसील की तरफ से तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया आपके यहाँ, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है नोटिस। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि हमारा जो मुद्दा ये हमने सोशल मीडिया पर उठाया, तो एक हमारे पत्रकार जो है विशाल आवले जी, वो मेरी वीडियो, छोटी सी वीडियो देखकर जो है कि वहाँ गए गांव में और मेरे माता पिता की बाइट ली, जो लोग वहाँ पर थे प्रत्यक्षदर्शी उनकी बाइट ली, तो जो है कि वहाँ सरपंच साहब बाबूलाल जाटव और उनके 20-30 लोग तकरीबन वो आए और उन्होंने जो है कि पत्रकार महोदय पर जो है हमला कर दिया। ये हमला जानने वाले और ये इस पूरे मामले से खतरनाक इसलिए हैं, और मैंने जो पहले कहा था गुंडागर्दी, उन्होंने उन पर हमला करके ये बात साबित कर दी कि जो मैंने वो बात कही थी वो सही। दूसरी चीज़, वो जो हम आरोप लगा रहे हैं अगर वो सही है तो खुद सामने अगर उसका जवाब दे, किसी पर हमला क्यों करवा रहे हैं? पत्रकार पर हमला करवाने का मतलब क्या होता है? कलम की ताकत से वो वाकिफ नहीं है शायद। इस देश में जब भी कलम उठी, दुनिया में कलम उठी, जब रूसों ने कलम उठाई तो रूसी क्रांति हो, जब रूसों ने कलम उठाई तो फ्रांस की क्रांति हुई, जब थॉमस पेन ने कलम उठाई तो अमेरिका की क्रांति हुई। तो कलम की जो ताकत है ना, वो उससे वाकिफ नहीं है। मैंने बहुत पहले कई बात लिखी थी कि नफरत ने शोले उगले हैं, प्रेम को शांति भाती है, खड़ग है प्रलय का आमंत्रण,
कलम क्रांति लाती है, और वो लोग जो कलमकारों पर हमला कर रहे हैं उनसे कह देता हूँ, ना दौलत लिखती है, ना रसूखदार लिखता है, मुल्क का मुकद्दर कलमकार लिखता है, और उन्हें कलम के आगे झुकना ही पड़ेगा। तमाम शासन प्रशासन के लोगों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हम आपसे सहयोग चाहते हैं, समर्थन चाहते हैं, क्योंकि ये हमला मामूली हमला नहीं है, ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं है, किसी पर हमला कर देना। और ग्राम पंचायत बिसुखेड़ी और कैलाश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक शख्स आपके पक्ष और आपकी जनता की आवाज़ उठाने आया था, अगर आप उसके पक्ष में खड़े नहीं हुए तो कल से कोई आपकी आवाज़ उठाने नहीं आएगा। इसलिए आपकी पहली जिम्मेदारी है कि बाबूलाल जाटव जी जो हैं, उनने जितने भी आपसे अनुमति रसीद के नाम पर पैसे लिए हैं वो रसीद रखें अपने पास, और जब भी कोई पत्रकार महोदय पूछने आए, और जब भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम इस संविधान की ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। ना हिंसा पर यकीन हमें है, ना हिंसा फैलाएंगे, हम कानून के जरिए ही कानून का शासन लाएंगे। और देखना वो क्या कहता है कि ग्राम पंचायत के सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग जो हैं उन्हें भी इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं इस क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी साहब से निवेदन करता हूँ, और गोपाल सिंह इंद्र साहब से निवेदन करता हूँ कि वो जो शख्स है वो खुद को भाजपा का सदस्य बताता है, और जो उसने घर के सामने बैनर लगा कर रखे हैं वो आपके नाम के हैं, तो लोगों में ये महसूस जाता है, ये संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं इसको संरक्षण आपको तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपके नाम से, आपके नाम का दुरुपयोग करके भी कहीं ना कहीं दहशतगर्दी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। और बाबूलाल जाटव जी के साथ एक दो शख्स और हैं जो बड़े रसूखदार बने फिरते हैं, लंबा कुर्ता, लंबी नाक और नफरती टीका लगाकर लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, और उन्हें ये लगता है कि ग्राम पंचायत कैलाश और बिसुखेड़ी के लोग उनके गुलाम हैं, तो ये उनको भूल जाना चाहिए। हम इस संविधान के जरिए भोपाल तक लड़ेंगे, दिल्ली तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और ये मामला अगर बाबूलाल जाटव जी के नफरत के खिलाफ मामला नहीं चला तो मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा, राष्ट्रपति को पत्र लिखूंगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पत्र लिखूंगा, क्योंकि ये पीड़ा हमारी नहीं है, ये पीड़ा पूरे गांव की है। ये पहले मेरा व्यक्तिगत मसला था, लेकिन अब ये पूरे गांव का पीड़ा है, पूरे गांव की तकलीफ है ये। और ये जो सरपंच जी का ये जो उन्हें घमंड है ना कि हम को कोई नहीं हटा सकता, हमारी नेता तक पहचान है, वहां तक पहचान है, मैं पुनः डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन करता हूँ कि हमारी आवाज़ को सुने, क्योंकि आपके पास हमारे विरुद्ध जो खबर आएगी वो ये आएगी, क्योंकि वो इसको ये हमारी जो पीड़ा है ना ये नॉन पॉलिटिक्स है। आपने भ्रष्टाचार को आरोप लगाया है और आपके वीडियो यहाँ पर जो आत्माराम दादा नाम के हैं, कब से कब्जा है उनका यहाँ पर? उनका कम से कम 40-45 साल से 40 साल है, और घर का जोता जोड़ा है इनने, तो ये सरपंच है तो उनको प्रताड़ित कर रहा है, और सरपंच है ना ये सबसे पैसे ले रिया है, जितने भी मकान मालिक है, जितने भी मकान बना रहे नए इनसे पैसे ले रिया है, और पैसे ले लेके ये मकान बनवाने दे रिया है, तो ये सरपंच है ना इस रीति नीति का है, और ये सरपंच इनके खिलाफ जा रिया है, मतलब इनसे। अच्छा, इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं क्या? जान से मारने की धमकी दे रिया और वैसे भी परेशान कर रिया। अच्छा, हाँ, ये कोई मकान वाले जो नहीं कुटी वाले हैं इनसे पैसे लेते हैं? हाँ, कुटी वाले को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो नवीनीकरण कर रहे हैं, नवीनीकरण जो मकान बना रहे हैं इनसे पैसे ले रहे हैं। हाँ, ये मतलब जनता के खिलाफ है, जनता से किसी से भी पूछ लो। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।